अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम माश की दाल से बनाएंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेसन से भी बनाते हैं दही बड़े, जो इनको बेसन अच्छा लगता है, और कुछ लोग हैं जो मूंग की दाल और माश की दाल को मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये सिर्फ माश की दाल से बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम माश की दाल ले लिया है। इसे मैंने 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगा के रख दिया था, और साथ ही में मैंने इसमें सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और बेकिंग सोडा है, और हम थोड़ा सा इसमें ज़ीरा मिक्स करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है, इसमें आपको माश की दाल को ऐड कर देना है और इसे पीस लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा ही पानी डालना है, मैंने तो 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी डाला था, और साथ ही में आपको सॉल्ट ऐड कर देना है। जब आप इसे मिक्सी में डालो तो आप पानी और सॉल्ट डालना, बस बेकिंग सोडा और ज़ीरा मत डालना। और इसे हम पीस के, ये मैंने इस तरह से इसका बैटर बना लिया है। साथ ही में अभी इसी में हम ज़ीरा और सॉल्ट को ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, 1/2 टीस्पून है, और साथ ही में मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मैं इसे मिक्स करते जा रही हूँ, और साथ ही में अभी हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो ये मैंने बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक ब्लेंडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मैंने हैंड मिक्स की मदद से इसे कर लिया, यह अच्छे से हो जाता है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा एक फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हो गया है। अभी हमें सिर्फ इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए सेट करके रखना है। इसे आप थोड़ा सा इसे रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स के बाद आप इसके पकौड़े बना सकते हो दही बड़े। तो यहाँ पर आपको एक मसाला रेडी कर लेना है जो आप यूज़ करोगे दही बड़ों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर कोरिएंडर सीड, लौंग, काली मिरी, ज़ीरा, काला नमक लिया है, और अमचूर पाउडर भी है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया था गरम करने के लिए, और इसमें कोरिएंडर सीड ऐड कर दिया है। साथ ही में हम लौंग भी डाल देंगे और काली मिरी ऐड कर देंगे, और इसे आपको लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको फ्लेम जो है मीडियम हाई नहीं रखना है, आपको लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आपको इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद और अच्छे से इसे 4 से 5 सेकेंड हमें इसे भून लेना है, और फिर उसके बाद इसे निकाल देना है। ये देखिए यही पाउडर हम दही बड़ों के ऊपर यूज़ करेंगे जिससे हमारे दही बड़ों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया था, और साथ ही में इसमें अभी मैं काला नमक और अमचूर पाउडर ऐड कर दूँगी, और इसे मिक्स कर लेना है आपको अच्छे से। और ये हमारा पाउडर रेडी हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने तेल गरम करने रख दिया था। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो हमें इसमें एक एक पकौड़े इसमें ऐड कर देने हैं। ये मेरे पास एक स्पून है तो इससे अच्छे से शेप आ जाता है। अगर आपके पास कोई और स्पून है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो आप हाथ से भी इसमें पकौड़ों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि शेप का तो हमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है क्योंकि वो वैसे भी दही में ऐड होने वाला है। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 एक साथ डाल दिए हैं, और 2 से 3 मिनट के बाद आपको इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपको देखना है कि इसको एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए, बस उतना फ्राई कर लेना है, थोड़े से क्रिस्प हो जाए और थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए बस, और फिर हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया है, और यहाँ पर हमारे पकौड़े रेडी हो गए। अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इस बाउल में आपके जितने भी दही बड़े आपको बनाने हैं वही उतना ही आप ऐड करिएगा, बाकी के आप ऐसे साइड में रख सकते हो और उसे बाद में यूज़ कर सकते हो।
तो मैंने इसमें मुझे जितना बनाना था मैंने ऐड कर दिया, और साथ में आपको 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स तक उसको पानी में रखना है और इस तरह से रिमूव कर देना है। ये सारे मैंने पानी में से निकाल दिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने दही ऐड किया है, 200 ग्राम दही भी है, और इसमें से मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और साथ ही में मैं इसमें शुगर भी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे घर पे मीठे दही बड़े पसंद है सबको। अगर आपको खारे वाले दही बड़े चाहिए तो आप इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करना, आप शुगर ऐड मत करना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही में हम एक ट्रे ले लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही इसमें ऐड कर दिया है, और हम अच्छे से हमारे पकौड़े को इसमें अरेंज कर लेंगे ताकि हमारा जो दही है इसके ऊपर से अच्छे से कोट हो जाए। आपको जितने बनाने हैं उतने ही आप इसमें ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने दही की एक कोटिंग कर रही हूँ, आपको जितना दही ऐड करना है आप ऐड कर लेना। बहुत ज़्यादा दही खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा दही डाल सकते हो। और ये मैंने ग्रीन चटनी जो बनाई है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ी थोड़ी आपको ग्रीन चटनी भी डालनी है। साथ ही में हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी वो भी ऐड कर देंगे, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो ये वही पाउडर है जो हमने बनाया था, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैंने सेकेंड लेयर भी ऐसे ही लगा दी है, सेम प्रोसीजर किया है, और सेम पाउडर हमारा स्पाइस पाउडर एंड कुटी हुई लाल मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमारा दही बड़े रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।